Hello friends, after a long time we met and I'm making a video and I'm really sorry that there is a long gap between my videos. So I really hope there's no any long gap and I will give you more and more videos all week that helps you in your studies and subjects and topics. Get the best ideas and tips in education. Please subscribe my channel and click a bell icon. So we are going to study today about Albugo. It's come under the kingdom fungi. And kingdom fungi, it includes such a variety of organisms like a mushroom, yeast, molds, etc. So in mushrooms, mushroom yeast mold, there's feathery filaments are present. So those feathery filaments called as a hypha. वो जो feathery filaments present होते हैं mushroom yeast and mold ये सब में, उसको हम लोग hypha बोलते हैं. और बहुत सारे hypha को मिला के collectively all hypha they are called as a mycelium, और उसको mycelium बोलते हैं. सो albugo को हम लोग कॉल एज ऑल्सो है cytopus भी बोलते हैं. एंड इसका बॉटनिकल नेम है albugo कैनिडीडा. और ये हम लोग पढ़े एंड आगे देखते हैं. albugo इट इज़ ए ऑब्लिगेट पैरासाइट हम लोग उसको बोलते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट हम लोग इसलिए उसको बोलते हैं बिकॉज ऑब्लिगेट पैरासाइट क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब है उसको मतलब अपना लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन आगे बढ़ाने के लिए वो जो होस्ट होता है उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ता है. मतलब पहले होस्ट उसको ढूंढना पड़ता है एंड उसमें अपना रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल बढ़ाना पड़ता है एंड अपना न्यूट्रिशन वगैरह सब अपने होस्ट से ही लेता है. सो इसलिए उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं. और इंटरसेलुलर पैरासाइट भी हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस में जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे इंटरकनेक्टेड, दे उसी से एक इंटरसेलुलर चैनल बनता है एंड दे ऑक्सीजन ये सब का ट्रांसफर होता है सेल टू सेल. और इट कॉज ए डिजीज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स. इसका मेन डिजीज है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स जो वो काउज करता है. एंड ये क्रूसीफेरेसी फैमिली में तो पाया जाता है, ये साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैमिली में भी पाया जाता है जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो. कॉनवोल्यूसिएसी फैमिली में, रैनियोसुलेसिस फैमिली में, ब्रासिएसी फैमिली में पाया जाता है. सो नाउ वी आर हम उसका सिस्टमैटिक पोजिशन देखेंगे. हम सिस्टमैटिक पोजीशन हम लोग में हम लोग देखेंगे किस किंगडम में आता है, किस फाइलम में आता है, किस क्लास में आता है, किस ऑर्डर में आता है, किस फैमिली स्पेसिस उसको क्या होता है. सो हम लोग पता ही है किंगडम फंगी में आता है वो, फिर फाइलम माइकोटा में आता है एंड फिर उसके क्लास ओमाइसिटीज में आता है, फिर ऑर्डर पेनोस्पोरल्स में आता है, फैमिली अल्बिग्यूनियसी में आता है, स्पेसिस अल्बिगो. अब जर्नल्स भी लिख सकते हो कैनिडीडा. ये स्पेसिस एंड जर्नल से बॉटनिकल नेम बनता है. फाइन इंफॉर्मेशन एंड इट इज नॉट ए ट्रू फंगी. ट्रू फंगी नहीं हम बोल सकते बिकॉज इज ए प्लांट पैरासिटिक. मतलब उसका जो भी ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है एंड प्लांट में इसका सिम्टम्स देखा गया है एंड इस प्लांट के जो लीव स्टेम्स वगैरह इसको वो इन्फेक्ट करते हैं इसलिए हम उसको प्लांटिक पैरासाइटिक वो भी बोलते हैं. और साथ साथ ये डिस्कशनल टॉपिक है. मतलब इसको स्टिल कॉल्ड एज ए फंगस ही बट अभी तक सब कन्फर्म नहीं हुआ. सो नॉट ए ट्रू फंगी albugo. इट इज़ इंटरसेल्युलर. अभी मैंने बताया इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है मैंने अभी आपको डिस्क्राइब फिर से बता देती हूँ. वो स्प्रेड करता है होस्ट को अपना लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए.
और माइ फंगल माइसिलियम होता है ये ब्रांच्ड होता है, ए सेप्टेड होता है एंड सिनोसिटिक होता है। ये ब्रांच्ड होता है माइस और ए सेप्टेड, ए सेप्टेड मतलब जो भी, मतलब देयर इज नो एनी बाउंड्री एंड मेम्ब्रेन बिटवीन ए सेल्स। एंड सिनोसिटिक हो गया, सिनोसिटिक कहने का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड इज फंगल माइसिलियम डेवलप हॉस्टेरिया नॉर्मल और सकिंग ऑर्गन। हॉस्टेरिया प्रेजेंट होता है माइसिलियम में, जो मतलब जो न्यूट्रिशन ये सबको ना, ये जो भी ऑर्गन्स ये सब को भी टिश्यूज होते हैं ये सेल्स दूसरे सेल्स के होस्ट के, उससे वो शक कटला है न्यूट्रिशन। तो उस गोल सा नॉब लाइक होता है छोटा सा जो माइसिलियम इस समय डेवलप होते हैं उसको हॉस्टेरिया बोलते हैं, वो शक करता है ड्रॉप करता है न्यूट्रिशन ये सब फूड वगैरह। अल्बिगो कैंडिडा काउज द डिजीज वाइट रॉस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ये उन्होंने देखा मोस्टली इन द मेम्ब्रेन ऑफ क्रूसीफेरी, मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली में ही ज़्यादातर पाया जाता है। एंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्टर ज़्यादातर ये कौन से प्लांट को इफेक्ट करता है, कैबेज मस्टर्ड रेडिस ये सब एक्सेट्रा। अब हम लोग देखेंगे डिजीज सिम्टम्स, कौन से डिजीज मतलब ये देखा है वाइट रॉस ऑफ क्रूसीफर होता है, बट ये इसका इस डिजीज का सिम्टम्स क्या होते हैं। जो फंगी होते हैं इन्फेक्ट करते हैं मोस्टली एरियल पार्ट्स होते हैं, तो ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं एरियल पार्ट्स आगे के प्लांट के उसको ज़्यादातर वो अफेक्ट करता है। और वाइट पाउडरी मास ऑफ पैचेस कॉल्ड ए प्यूस्ट्यूल्स, हम लोग प्यूस्ट्यूल्स बोलते हैं वाइट पाउडरी ऑफ एंड डेवलप ऑन द लीव्स पेटियोल लीव, मैंने बोला ये लीव एंड स्टेम ये सब को ज़्यादा इफेक्ट करता है ये डिजीज। और पेटियोल, पेटियोल हो गया, पेटियोल तो जानती है फ्लावर अटैच होता है स्टेम से, जिस पार्ट से उसको पेटियोल बोलते हैं। एंड हम लोग जो वाइट पाउडरी मास प्रेजेंट होता है लीव्स या स्टेम वगैरह पे, उसको पिस्टियोल्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं फिगर में, हम लोग ये देखा है कि ये लीफ है, लीफ में ये देख ये मैंने यहाँ पे ब्लू से इंडिकेट किया है पाउडरी मास वाइट वाइट ऐसे प्रेजेंट होगा और उसको हम लोग वाइट पिस्टियोल्स बोलते हैं, मतलब इन्फेक्टेड लीफ रेडिश के लीफ पे देखा जाता है ऐसा। आगे हम लोग इसका सिम्टम्स देखते हैं। ड्यू टू इन्फेक्शन इन्फेक्टेड प्लांट बिकम स्टंटेड, स्टंटेड मतलब उसका जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। एंड द स्टेम होता है थिक एंड फ्लैशी हाइपरस्ट्रोफाइड, मतलब मोटे होते हैं एंड फ्लैशी एंड हाइपरस्ट्रोफाइड, हाइपरस्ट्रोफाइड भी उसको बोलते हैं, ठीक हो जाते हैं मोटे ऐसे टाइप। And the flower or inflorescence become thick and distorted and sterile. A flower inflorescence ये सब होते हैं, मतलब become, मतलब मैंने बोला ये थिक मोटे होने लगते हैं वो फ्लावर ये सब। एंड distorted उनका शेप होता है कुछ ऐसा इरेगुलर होने लगता है, इरेगुलर शेप। एंड स्टाइल हो जाते हैं, मतलब स्टाइल कहने का मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने बोला था हॉस्टेरिया, ये माइसिल ये जो पतला पतला सा ये देख रहे हैं ना, ये माइसिलियम, इसको माइसिलियम बोलते हैं, फंगल माइसिलियम इस सबको माइसिलियम बोलते हैं। और अब ये गोल गोल देख रहे हैं इसको हॉस्टेरिया बोलते हैं, जो माइसिलियम से अटैच्ड है, ठीक है। और यही जो हॉस्टेरिया होते हैं जो होस्ट सेल से न्यूट्रिशन ये सब अब्जॉर्ब करते हैं, शॉक करते हैं। और ये सेल है जो प्लांट का दिखाया जा रहा है जिसका जो लीफ हाइपरस्ट्रोफाइट फ्रूट देगा, फ्लावर होगा, हाइपरस्ट्रोफाइट स्टेम होगा, मतलब सब कुछ उसका होता है ना ग्रोथ, ये सब रुक जाता है, सब मोटे हो जाते हैं, छोटे होते हैं, पूरे इन्फेक्टेड होते हैं, शेप ये सब पूरा बिगड़ जाता है, इरेगुलर हो जाता है। और वाइट लीव्स पे वाइट पिस्ट्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, धब्बे धब्बे ऐसे पाउडरी मास ये आप लोग इसका फिगर बना सकते हो। तो आज हम लोगों ने इसका सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ा, उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा,
उसका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड वो कौन सा डिजीज काउज करता है वो, उसका डिजीज का सिम्टम्स क्या होता है वो, और हम लोगों ने उसका फिगर देखा अल्बिगो कैंडिडा का, ये सब ने हम लोगों ने पढ़ा। एंड कुछ कुछ मेन छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों ने उसमें जो इम्पॉर्टेंट है, डिजीज कौन सा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो नॉट ट्रू फंगी है, मोस्टली कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है वो डिजीज, कैबेज मस्टर्ड रेडिश वगैरह, ये सब में हम लोग ने देखा, सिस्टमैटिक पोजिशन देखा जो पूछते हैं। सो ये सब छोटे छोटे है। दैट्स नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे एंड फिगर देखेंगे, हाउ इट रिप्रोड्यूस, कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है वगैरह, इन ए सेकेंड पार्ट, सेकेंड वीडियो ऑफ दिस पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।